बैलापुर को नगर पंचायत घोषित किए जाने पर स्थानीय प्रधानों में रोष, कृषि मंत्री को कोसा। भाजपा की योगी 2 की सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट की बैठक में देवरिया जनपद की 3 नगर पंचायतों के नवसृजन की घोषणा के बाद बैलातपुर विकास खंड के स्थानीय प्रधानों ने लगातार बैठकें करते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया है। ग्राम प्रधान गड़ों का कहना है कि देवरिया जनपद के पत्थरदेवा विधानसभा के स्थानीय विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के प्रयास के बाद कैबिनेट में जनपद के 3 नगर पंचायतें पत्थरदेवा, तरकुलवा व बैलातपुर घोषित की गईं। परंतु बैलातपुर को नगर पंचायत घोषित किया जाना हम प्रधान गणों के साथ अन्याय है। मात्र 16 किलोमीटर के क्षेत्र में नगर पालिका परिषद देवरिया व नगर पंचायत गौरी बाजार के बाद बैलातपुर को नगर पंचायत घोषित किया जाना औचित्य विहीन है। इस दौरान मौजूदा 12 गांव के प्रधान गणों का कहना था कि सरकार जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि बैलातपुर को नगर पंचायत घोषित किया जाना हमारे हितों पर कुठाराघात है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का यह कुत्सित प्रयास है, जहां नगर पंचायत के सृजन में मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर अवगत कराया जा रहा है। बरारी गांव के प्रधान अनिल मणि त्रिपाठी ने बताया कि बैलातपुर को नगर पंचायत घोषित करना ही था तो सरकार सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर देती होती। यहाँ चुनाव कराने का क्या औचित्य था, जबकि इस नवसृजित नगर पंचायत में मानकों की अनदेखी करते हुए सीमावर्ती गांवों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्या आपकी मांग है? हम लोग नगर पंचायत न बनाने जाने के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय सांसद जी, माननीय कृषि मंत्री, माननीय विधायक जी, सबको हम लोग जो है कि अपना ज्ञापन दिए, उसके बावजूद भी हम लोगों का जो सुना नहीं गया, उसके बावजूद भी कैबिनेट में जो है कि प्रस्ताव इन लोगों ने पारित पास कर दिया। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों से कुछ नहीं पूछा गया, ना ही हम लोगों से कोई बात की गई। हम लोग आखिर 1 साल के लिए चुने गए थे या 5 साल के लिए चुने गए थे? अगर इन लोगों ने पहले भी ये बात रख दी गई होती तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, चाहे कोई भी आदमी चुनाव सोच समझ के लड़ता। आज मान लीजिए हम लोग चुन के आ गए हैं, चुन के आने के बाद अब हम लोगों के साथ जो है कि हित किया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है, जिसको जिसका हम लोग विरोध खुले मन से कर रहे हैं और विरोध करते रहे। नगर पंचायत बैतालपुर में जो ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है वो किस तरह, कोई मानक उसका है कि नहीं है, किस क्या जो भी नगर पंचायत बैतालपुर में जो किया गया है, नगर पंचायत बनाया गया है बैतालपुर का, जितना सीमांकन इसका किया गया है वो हाँ उसका पूरा किसी ग्राम सभा का कोई मानक इससे लग नहीं रहा है। जो भी केंद्र बिंदु बनाया गया है बैतालपुर नगर पंचायत को, केंद्र बिंदु जो बनाया गया है इसके इर्द गिर्द में जितना ग्राम सभा इसमें चुना गया है, जोड़ा गया है, एक भी जो है कि इसमें सट नहीं रहा है। अगर ये लोग शुगर मिल को केंद्र बिंदु बना रहे हैं तो मान लीजिए जितना ग्राम सभा लोग दिए हैं एक भी नहीं सट रहा है। कृषि मंत्री का ये क्षेत्र है जी, यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, उनकी क्या भूमिका है इस यहाँ इसको लेकर के, टाउन एरिया को लेकर इन लोगों का अहम भूमिका है। इन लोगों ने ऐसा जानबूझ के कराया है, अब किस पर्पज से कराया है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी ये लोग कराए हैं एकदम सरासर गलत कराए हैं। जो कि ये कृषि क्षेत्र है, ये व्यवसायिक क्षेत्र नहीं है, यहाँ 10% से ज़्यादा व्यवसायिक क्षेत्र नहीं है बैतालपुर में। चारों तरफ बैतालपुर के इर्द गिर्द में टोटल जो है कि कृषि क्षेत्र है। अब कृषि क्षेत्र में जो है कि मान लीजिए यहाँ इतना महंगा बिजली, या मान लीजिए आवासीय जो है जो लोग आता है, फिर पानी का खर्च, मान जो भी खर्चे हैं, ये यहाँ के व्यवसायिक लोग नहीं है, सब कृषि विभाग कृषि भूमि के लोग हैं, यहाँ कोई उसमें सक्षम नहीं है। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति अब इसी पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सरकार का मनसा देखा जाए, अगर सरकार इस पर हम लोगों का सुनवाई नहीं कर रही है तो हम लोग आगे फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या नाम आपका जी? मान सिंह, प्रधान बैतालपुर, प्रधान संघ अध्यक्ष बैतालपुर। आज आप लोग यहाँ बैठक किए हैं, क्या मांगे रही और पत्र आप किसको सौंपेंगे? हम सारे प्रधानगढ़ जो है यहाँ पे 11 गांव के प्रधान इकट्ठे हुए हैं, ये बैतालपुर नगर पंचायत बनाने के संदर्भ में हम इसका मुख्यमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्रक दिए हैं,
और नगर पंचायत बनाने के विरोध में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे जो भी नगर पंचायत का प्रसिम्बन किया गया है वो सरासर गलत किया गया है। हम चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ अन्याय हुआ है और किसी भी प्रधान से हमारे उपनयन नहीं लिया गया है और न ही कोई बातचीत किया गया है। यहाँ जिले के जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय विधायक जी हों, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे कृषि मंत्री जी हों, अपने मनमानी तरीके से ये लोग कैबिनेट में नगर पंचायत पैतालपुर को ये लोग पास कराए हैं, जिसका हम लोग हर सब प्रधान मिलकर विरोध करते हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम माननीय हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुरदा साहिल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति त्रिपाठी जी, सदर के लोकप्रिय एसओसी विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और हृदय तल से आभार देता हूँ। देखिए, ये बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था। शहर से लगा हुआ यह नगर है और इस नगर के सड़क से लगे हुए जो भी गांव हैं उनका विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा था या गांव सभा की उतनी बजट नहीं होती होगी कि जैसी लोगों की अपेक्षाएं थी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको समझा होगा और इन्होंने जनमानस के अनुरूप इस कार्य को किया है। इसके लिए पुनः मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी और यहाँ के जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह जी को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आभार प्रकट करता हूँ। तो ये का जो गठन हुआ है उसमें जो ग्राम पंचायतें आई हैं वहाँ के जो प्रधान हैं उनकी आपत्ति है कि कृषि मंत्री का ये क्षेत्र है बैतालपुर, जो विधानसभा में आता है, स्थानीय विधायक भी हैं और शलमणि जी देवरिया विधानसभा के हैं, उनका भी क्षेत्र आता है। इन प्रधानों का कहना यह है कि हम लोगों को अगर चुनाव कराना ही था, टाउन एरिया घोषित करनी ही थी, तो ये पहले क्यों नहीं हो गया, प्रशासक क्यों नहीं घोषित कर दिए गए। अब हम लोग चुनाव में आ गए हैं, कैसे क्या करेंगे, उनके लिए ये विरोधाभास है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये प्रशासनिक प्रणाली अपनी जो भी है इनकी और जो भी रहा होगा पहले से, ये शासन इस चीज़ को समझेगा और शासन ने जो उचित समझा होगा उचित समय पर, उनको ऐसा उस समय लगा होगा कि अभी विलम्ब है टाउन एरिया बनाने में, तब तक उन्होंने बहुत से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा तो उन्होंने किया होगा और यह भी जो है ऊपर